हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए अपनी गेम्स का कलेक्शन लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कितनी सारी गेम्स हैं। फर्स्ट वन इज डॉज, देन आई हैव ऊनो फ्लिप, मेरे पास ऊनो है एंड इट्स अ फेज 10। दिस वन इज मोनोपोली एंड ये है स्किबो एंड दिस वन इज सीक्वेंट। आज हम बिगिन करते हैं स्किबो। इस वाली गेम का मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी कि आपको इसको कैसे खेलना है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी गेम है। अगर आप जैसे कजन्स हो तो उनके साथ खेल सकते हो। फर्स्ट वन ये देखना है कि ये 7+ ईयर्स वालों के लिए है एंड इसमें 2 से लेके 6 प्लेयर्स मैक्सिमम जो हैं 6 प्लेयर्स इसके ये गेम को खेल सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे खेलना। अब मैं आपको 3 प्लेयर्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ गेम को कैसे खेलना है। फर्स्ट वन क्या है कि हम इसके अंदर 20 कार्ड्स तीनों प्लेयर्स को हम देंगे। फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर। अब क्या करना है, ये 3 प्लेयर्स के हमने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो हमारे सेंटर पाइल, जो हमारी रिमेनिंग पाइल है वो सेंटर में रहेगी। अब सब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको अपना जो टॉप मोस्ट कार्ड है उसको खोलना है। यहाँ पर आया 11, यहाँ आया है 9, यहाँ आया है 8। जो हमारा सेंटर पाइल है यहाँ पर हमारी 4 पाइल्स बन सकती हैं और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके यहाँ पर भी अदर देन देयर कार्ड्स यहाँ पर 4 पाइल्स खोल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट प्लेयर की टर्न है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट प्लेयर है वो 5 कार्ड्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हो जो ये वाला कार्ड होता है स्किबो, ये हमारा कार्ड होता है वाइल्ड कार्ड, इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारी पाइल जो स्टार्ट होगी वो 1 से होगी। तो अब हम देख सकते हैं ये वाला प्लेयर क्या चल सकता है, 1। इसने एक 1 करा, अब वो देखेगा कि नेक्स्ट काउंटिंग में 2, 3 इसके पास नहीं है। मेन मोटिव इस गेम का होता है कि हमें अपना पाइल जो है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। अब वो देखेगा कि मेरे पास 2 है तो उसके पास अभी 2 नहीं है तो वो मैक्सिमम 1 ही चल सकता है। अब वो नेक्स्ट जो है कोई भी कार्ड को अपना यहाँ पर रख देगा। ये हमारा इंडिकेशन देता है ये कि नेक्स्ट जो प्लेयर है वो अपनी टर्न चल सकता है। अब उसके पास 3 कार्ड्स बच गए तो वो यहाँ पर रख देंगे। नेक्स्ट वन इज दिस वन प्लेयर टर्न। अब वो देखेगा कि उसका सबसे ऊपर है 8, अब उसको 8 अपना जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। अब ये वाला प्लेयर 5 कार्ड्स ड्रॉ करेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब वो देखेगा कि मैं क्या चलूँ। अब उसने 1 खुल रखा है, उसे अपने 8 हम अपना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। अब उसके पास 8 करने के लिए उसको क्या करना है, 2 चल सकता है, 3 चल सकता है, उसके 4, 5 कुछ नहीं है। देन वो क्या करेगा, अब एक कार्ड अपना यहाँ पर रख देगा और जो बाकी कार्ड्स हैं वो अपने साइड में रख देगा अपनी नेक्स्ट टर्न के लिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट प्लेयर की जो टर्न है, उसके पास क्या है, 11। अब वो देखेगा 11 कैसे मैं चलूँ। फर्स्ट वो 5 कार्ड्स ड्रॉ करेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब वो देखेगा कि मैं कैसे चलूँ। अब यहाँ पर 3 खुला हुआ है मैक्सिमम, अब क्या कर सकते हैं, 4 चल देगा, 5 चल देगा। अब देखेगा आगे तो मेरा कुछ नहीं चल सकते तो वो एक कार्ड को अपना साइड में रख देगा एंड जो उसकी बचे हुए पाइल्स हैं उसको अपने साइड में रख देगा। ऐसे ही हमारी क्लॉकवाइज टर्न चलती रहेंगी। अब इसकी टर्न आई, देन नेक्स्ट की टर्न है। अब इसके लेफ्ट ओवर कार्ड्स पहले के कितने थे, 1, 2, 3, तो जो मैक्सिमम हैंड के अंदर कार्ड होने चाहिए अपनी टर्न पर वो 5 होने चाहिए। 1, 2, 3 उसके पास ऑलरेडी है तो वो पाइल से कितना ले ड्रॉ करेगा, 2 कार्ड्स। अब देखेगा 5, अब उसको देखेगा मेरे पास 6 नहीं है तो वो कुछ चल ही नहीं सकता तो अब वो क्या करेगा, एक कार्ड को अपना यहाँ रख देगा। फिर वो क्या करेगा, अपना पाइल जो बचेगा हैंड के वो यहाँ। अब आता है नेक्स्ट की टर्न। अब नेक्स्ट वाले टर्न पे इसके कितने कार्ड्स हैं मैं हैंड में, 2,
अब वो यहाँ से कितने कार्ड्स ड्रॉ करेगा, 1 2 3। अब उसको अपना 8 निकालना है, तो हमारा ये जो हमारा स्किप बो है ये हमारा वाइल्ड कार्ड होता है एज अ 6, हम इसको चलेंगे, देन 7 एंड देन 8। फर्स्ट अब हमने रख दिया, अब वो उसको अपना कार्ड को पहले फ्लिप करेगा, अब वो देखेगा 8 के बाद वो क्या, मैक्सिमम अब 9 चल सकता है कि उसको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा चांस मिले लेने के कार्ड्स, अब वो नहीं चल सकता कुछ, फिर वो अपने कार्ड्स यहाँ रख देगा। अब आती है नेक्स्ट प्लेयर की टर्न, उसके लास्ट के कार्ड्स क्या थे, 2 एंड 2, तो वो 3 कार्ड्स ड्रॉ करेगा, 1 2 3। अब उसको क्या निकालना है, अपना 11। 11 कैसे जाएगा, उसको 10 चाहिए, तो जो हमारा स्किप बो है वो एज अ वाइल्ड कार्ड यूज होएगा, 10 एंड देन 11। अब वो देखेगा 5 5, वो नहीं चल सकता क्योंकि 1 2 3 4 अभी है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, एक कार्ड वो ड्रॉ करके यहाँ पे रख देगा। अब नेक्स्ट वन टर्न, यहाँ पर कितने कार्ड्स हैं मैक्सिमम हैंड के अंदर, 4, तो अब वो क्या लेगा, एक कार्ड पाइल से ड्रॉ करेगा, अब वो देखेंगे 11, अब उसको तो 9 निकालना था, 9 तो निकल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, 12 रख देगा। 12 का मतलब है कि ये हमारी पाइल कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे साइड में। अब यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, अब 1 नहीं है, अब इसके पास 5 कार्ड्स हैं तो ये नहीं चल सकता कुछ, तो ये यहाँ रख देगा और अपने कार्ड्स यहाँ। नेक्स्ट, अब इसके पास 2 3, 2 कार्ड्स हैं तो ये 2 3 और ड्रॉ करेगा। अब आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पर कोई भी पाइल खुली नहीं है, यहाँ पे 4 पाइल्स जो है मैक्सिमम खुल सकती हैं, तो अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 4 5 नहीं है इसके पास, तो अब क्या करेगा, ये एक कार्ड यहाँ रख देगा और फिर जो एक लेफ्ट ओवर कार्ड है वो अपना साइड में रख देगा। तो इस वे से हमें अपनी कंप्लीट करनी है पूरी गेम, और हमारा मोटिव होना चाहिए जो भी हमें पाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं उन सबको कंप्लीट करना है, उन सबको फिनिश करना है फर्स्ट। जो सबसे पहले उसको फिनिश कर देगा वो इस गेम का विनर होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम हमारे 4 पाइल्स खुल सकती हैं, जैसे 1 2 3 4, ये चीज़ याद रखनी है, और आपकी अपनी भी 4 पाइल्स खुल सकती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव।